रणबीर कपूर को जब संजय दत्त के किरदार में देखा था फिल्म संजू में, तब सब दंग रह गए थे और उसके बाद से सब इन दोनों को एक फिल्म में देखना चाह रहे थे। वेल, लोगों के विशेष को पूरा करते हुए फिल्म मेकर्स ने अनाउंस किया फिल्म शमशेरा। इस फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज किया गया था और फिल्म ने काफी बज भी क्रिएट किया। मेकर्स इस फिल्म को जुलाई 31, 2020 को रिलीज करना चाहते थे और उनको ये लगा था कि वो शूट भी मिड 2019 तक खत्म कर देंगे, लेकिन रणबीर के पास इस फिल्म के लिए वक्त ही नहीं है। 5 महीने हो गए इस फिल्म के प्रोडक्शन को शुरू हुए और अभी तक एक सॉन्ग ही शूट हुआ है और वो भी दिसंबर में। रणबीर बिजी है फिल्म ब्रह्मास्त्र को रैप अप करने में और वही संजय दत्त भी हो गए बिजी अपनी फिल्म पानीपत की शूटिंग में। आपको बता दें कि मेकर्स को बहुत नुकसान हो रहा है इस वजह से। शमशेरा का सेट लोकेटेड है जोकर मैदान में और मेकर्स पर डे कर रहे हैं 40,000 पे और पिछले 10 दिनों से एक बार भी शूट नहीं हुआ है इस सेट पर, यानी कि अब तक लाखों खर्च कर चुके हैं मेकर्स इस फिल्म पर। डायरेक्टर इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अभी कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। आपका क्या कहना है रणबीर के इस बिहेवियर के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।